ईश्वर शास्त्री कला द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का नाम है और 7 तारीख का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 6 तारीख का क्वेश्चन आपका भाषा पर चला गया है, यूट्यूब पर भी चला गया है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कण पर चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण जा रहा तो इस पर चुंबकीय बल प्राप्त करना। जब कोई क्यू आवेश वाला कण बी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से थीटा कोण पर गतिशील हो तो उस पर चुंबकीय बल एफ निम्न सूत्र से प्राप्त होगा। सबसे पहले इसका चित्र देख लीजिए, ये सब चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है, तीर का निशान कितना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं चार वो कम भी दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। ये होगा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, चुंबकीय क्षेत्र जिसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। अब यहां से एक कण चला जिसका आवेश है क्यू, ठीक है, और कण का नाम देना है तो कण का नाम दे सकते हैं पी। यहां से चला इस तरह से, कितना कोण बना के चला तो थीटा कोण बना के चला, और कितना वेग से गया होगा तो भी वेग से गया होगा, तो इसका दो वेग होगा, वेग का दो वेग होता है, एगो सीधे ऊपर दिशा में होता है लंबवत और एक सीधे इस तरह से दिशा में होता है। तो थीटा जिससे कोण बनता है वो आधार होता है, टेढ़ा भुजा है तो कर्ण होगा, जान लीजिए टेढ़ा भुजा कर्ण ही होता। अब कर्ण जिससे कोण बनाएगा वही का आधार कहलाएगा, तो ये कोण थीटा नीचे वाला से बना है, इससे बना है, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। आधार और लंब, आधार निकालने के लिए कौश का प्रयोग, तो भी कौश थीटा होगा, भी लगाना है गुना होता है कर्ण से, यही लंब है तो ये हो जाएगा भी साइन थीटा। ठीक है, तो यही एक कण सीधे जा रहा है और इसी पर हमको निकालना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इस पर कितना बल लगाया, बल का मतलब एफ चुंबकीय बल, यही हमको निकालना है कि क्या होगा। वही जी यहाँ पर आपको लिखे हैं कि जब कोई क्यू आवेश वाला कण बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर भी वेग से गतिशील होता है तो उस पर बल कितना लगता है, एक लगता है। चलिए तो इसको प्राप्त करेंगे, पहले चित्र से लिख लेते हैं, चित्र से, ऐसे तो चित्र से आपका ऊपर हो भी गया है। ठीक है ना, सब चित्र से ही आपका लिखा हुआ, कोई जरूरी नहीं है चित्र से लिखना। चलिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही प्राप्त कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए निम्न नियम से प्राप्त होगा, यहाँ तक हो जाएगा। चलिए देखिए नियम बताते हैं कि कौन कौन नियम से चुंबकीय बल प्राप्त होगा। नियम नंबर एक, चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल, बल का संकेत क्या होता है, एफ आवेश, आवेश का संकेत क्यू के सीधा समानु पाती होता है, ये हो गया पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल एफ, चुंबकीय बल एफ वेग के लंबवत अवयव, अवयव मने होता है सदस्य, ठीक है ना, तो वेग का यहाँ लंबवत अवयव हमको देखना है कि वेग का लंबवत अवयव कौन है, तो कुछ बताइए इसमें वेग का लंबवत अवयव कौन होगा। वेग का ये देखिए, ये हो गया क्षैतिज अवयव, ये हो गया लंबवत अवयव, खड़ा वाला लंबवत अवयव होता है वी साइन थीटा के सीधा समानुपाती होता है,
तीसरा देखिए चुंबकीय बल एफ, चुंबकीय बल क्या से होता है एफ। अब इसमें क्या बच गया, तो चुंबकीय क्षेत्र बचा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र डी के सीधा समानुपाती होता है। और चौथा देखिए चुंबकीय बल, ऐसे तीन पॉइंट तो हो गया इसका है, तीन पॉइंट से निकल जाएगा, तीन ही पॉइंट तक देखिए। तो देखिए क्या बोला है, चुंबकीय बल एफ किसके समानुपाती होता है, पहला में आवेश के, दूसरा में क्या बोला चुंबकीय बल एफ किसके समानुपाती होता है वेग के लंबत अवयव के, और तीसरा क्या बोला चुंबकीय बल एफ चुंबकीय क्षेत्र बी के समानुपाती होता है। तीनों पॉइंट मिलाइएगा, एफ समानुपाती क्यू भी बी साइन थीटा, और जब इसी को बराबर करिएगा, ठीक है, चलिए यहां भी लिख सकते हैं, लिख देता, जब इसी को बराबर करिएगा तो एफ बराबर होगा के इंटू क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है, जहां के एक स्थिरांक है जिसका मान के बराबर वन होता, के का मान कितना होता है वन, तो एफ का लास्ट सूत्र हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा, यही आपका निकल गया चुंबकीय बल का सूत्र, ठीक है, लिख सकते हैं यही चुंबकीय बल है, ये चुंबकीय बल है, ठीक है ना, तो यहां तक रह जाते हैं इसको।